शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में थोड़ी देर में पेश किया जाएगा। स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में ईडी संजय सिंह को पेश करेगी। पेशी से पहले जांच एजेंसी ईडी संजय सिंह का मेडिकल करवाएगी। किसी तरह के उपद्रव को देखते हुए राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। आपको बता दें कि बुधवार को ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि पूछताछ के समय संजय सिंह ने सहयोग नहीं किया और इसी आधार पर ईडी कोर्ट से उनकी कस्टडी की मांग करेगी। तो शराब घोटाला केस में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सारे सबूत उनके खिलाफ है। इस बीच उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी आत्मसमर्पण करने की नसीहत दी। प्रवेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रवेश जी, आज राजघाट में आना, यहाँ पर बैठ के प्रार्थना करना, रघुपति राघव भी आप लोगों ने गाया है, क्या कारण है? देखिए, ईश्वर से प्रार्थना करने आए हैं कि अरविंद केजरीवाल को सद्बुद्धि दे, और उसको भी ये मालूम है कि वो एक्सपोज हो चुका है। सारे गवाह, सारे एविडेंस वो ईडी के पास में पहुँच गए हैं, इसलिए वो खुद ही आत्मसमर्पण कर दे, ऐसा मेरा फ्रेंडली एडवाइस है, और वो सरेंडर कर दे ताकि उसकी खुद की सजा थोड़ी कम हो जाए। अच्छा, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी बोल रही है कि सबूत एक नहीं, पैसा एक नहीं, और अगर एक पैसे का भ्रष्टाचार आ जाता है तो सामने लाए, वरना बीजेपी राजनीति छोड़ दे। आम आदमी पार्टी और इनके नेता 1000 बार कोर्ट में जाके बेल एप्लीकेशन लगा चुके हैं, कोर्ट उनको बेल क्यों नहीं देती है? तो सबूत होंगे, एविडेंस होंगे, इसलिए उनको बेल नहीं मिल रही है। तो वो इस बात की चिंता ना करें, इस बात की चिंता करें कि अभी और आगे किस किस का नंबर आने वाला है। कह रहे हैं बीजेपी बौखला गई है, इसलिए ये काम करा रही है ईडी के माध्यम से। देखिए, ईडी के पास सारे प्रूफ हैं, और अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, देश की न्यायपालिका के ऊपर में कोई तो विश्वास रखे। कोई भारतीय जनता पार्टी संजय सिंह को जेल नहीं भेजेगी, ईडी जेल नहीं भेजेगी। ईडी ने तो सबूत इकट्ठे किए हैं, ईडी ने तो उसका जुर्म पकड़ा है, ये कोर्ट तय करेगी, जज तय करेगा कि वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है। विपक्षी गठबंधन के सभी नेता एक सुर में गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और बीजेपी पर हमलावर हैं। आपको सुनाते हैं। ईडी को उन्होंने एक राजनीतिक हथियार बनाया हुआ, और चूँकि संजय सिंह एक प्रखर वक्ता है राज्यसभा में, अच्छा बोलते हैं, अच्छे सशक्त राजनेता है, उनकी जबान पर रोक लगाने के लिए उन्हें बंद किया गया है। अब 2024 तक, जब तक चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालेगी ताकि कोई जनता की बात ही ना कर सके, कोई विपक्ष की बात ही ना कर सके, ताकि चुनाव के अंदर आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत सके, मगर ये होगा नहीं। सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जांच एजेंसी भी खुद जांच के घेरे में आ गई हैं। मैं संजय सिंह जी की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। पिछले काफ़ी लंबे समय से वो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ मोर्चा लगाए हुए थे, जानबूझ करके दिल्ली गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए कार्रवाई की गई। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, और लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम है, जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज़्यादा कर रहे हैं। याद रखें कि इस तरह का अन्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयाँ होती हैं हमेशा सरकार को कमज़ोर करते हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फेस नहीं कर सकते। बीजेपी का दायां हाथ बन चुकी है, तो अपोजिशन का ये मुकाबला कर नहीं पाते हैं। खासकर जो इंडिया अलायंस बना है उससे खौफ ज्यादा है, डरे हुए हैं।